तो हेलो सर, वेलकम बैक। जैसा कि हम लोग कह रहे थे कि एक पूर्ण मानवन टेरेस के ऊपर बहुत दिनों से पेंडिंग था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि लॉकडाउन लग चुका है, जिसकी वजह से ये काम सब पेंडिंग था। बहुत चीज़ें पेंडिंग है, जैसा कि 5 फीट टाइम भी पेंडिंग है। तो वन बाई वन मैं काम कर रहा हूँ। तो अभी यहाँ पर 5 फीट का हम पॉन्ड बनाने वाले हैं। जैसा कि आप सब, मैंने एक शेयर किया था पोस्ट को पहले भी, आप सब लोग जानते हैं जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं। तो आज से हम काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो लेंथ है हमारी, यहाँ पर 5 फीट बाई 4 फीट का कर रहे हैं। मतलब पहले 3 अड़ी का प्लान किया था हम, लेकिन 3 अड़ी छोटा पड़ रहा है 3 फीट, तो 4 अड़ी चौड़ाई रहेगी, लंबाई 5 फीट रहेगी। तो उसकी शुरुआत कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोग सब जानते हैं, अगर आपका टेरेस पे कर रहे हैं तो उसके ऊपर वाटर प्रूफिंग करना ज़रूरी है। अगर आप डायरेक्ट इसके ऊपर बंद स्टार्ट कर दोगे तो पानी लीक हो सकता है। स्टार्टिंग हो सकता है लीक नहीं हो, लेकिन 1 साल 2 साल के बाद प्रॉब्लम हो सकता है। हम लोग परमानेंट कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर वाटर प्रूफिंग के लिए यहाँ पर इसने MC लेके आए जो वाटर प्रूफिंग होता है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 3 इंच की पूरी बेडिंग डालेंगे, यहाँ तक पूरी बेडिंग कॉन्क्रीट बेडिंग डालेंगे, जिससे पानी लीक नहीं होगा। एक दिन हम सिर्फ बेडिंग डाल के 2-3 दिन के लिए छोड़ देंगे। जब ये सूख जाएगा उसके ऊपर से हम वॉल स्टार्ट करके कम्प्लीटली विथ शेडिंग बनाएंगे, विथ ऊपर शीट्स भी आएगी। अगर धूप कोई आएगा तभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, चील वगैरह कुछ बिल्ली तभी अटैक नहीं करेगा। ऊपर जो है पूरा कवर हो जाएगा, फ्रंट साइड से डोर रहेगा मेस का, जिसमें हम लॉक डाल सकते हैं। और ऊपर 1 फीट जो यहाँ पर है, पूरा अतराफ से चारों तरफ से मेस रहेगा, जाली रहेगी जिससे हवा आ सके। सारे डेढ़ बाद में मालूम होते रहेंगे। तो सबसे पहले हम मार्क कर लेते हैं, टेप दियो। तो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं 5 फीट का। यहाँ पर जो है सैंड रहेगी। पहले हम लोग प्लान किया, जैसा कि आपने देखी, मैंने एक प्लान शेयर किया था, सेंटर में पानी का एक स्क्वायर बनाने का सोचा था। लेकिन पानी, ये टर्टल जो है सेमी एक्वाटिक होते हैं, उनको 75% जो वाटर होना चाहिए, 25% सैंड होना चाहिए। इसलिए हमने फिर दोबारा प्लान चेंज किया। यहाँ पर जितना भी होगा पूरा पानी आएगा, जिसमें हम एक पाइप इस्तेमाल करेंगे। ये वाला पाइप इस्तेमाल करके क्या करेंगे, इस तरह से इसमें एक वॉल आता है, देखिए इस तरह का वॉल यहाँ पर सेट कर देंगे। जब ये नीचे इसके हिस्से में रहेगा, जब हम पानी क्लीन करना चाहते हैं पूरा पानी खाली कर लेंगे हफ्ते में 1 या 2 बार, फिर नए से पानी फिल करेंगे। अभी इसके लिए हम फिल्ट्रेशन सिस्टम इस्तेमाल नहीं कर सकते। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कैप्सूल फिल्टर इस्तेमाल कर सकते हो या सम फिल्टर, लेकिन यहाँ पर ये टेरेस है, यहाँ पर कौन क्या टेरेस में कौन कैप्सूल फिल्टर रखेगा। इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी को अलग से कनेक्शन देना पड़ेगा, बहुत झड़ी होगी। टर्टल साइज से भी नया वाटर टॉपलेट कर लेते हैं, तो हर हफ्ते में एक बार पूरा का पूरा पानी चेंज करके नए से पानी हम डालेंगे। तो यहाँ पर जो सैंड है, यहाँ पर क्या हो गया, मटके रखेंगे हम लोग 2-3 मटके, ताकि इसके अंदर जाकर टर्टल्स आराम से बैठ सके। वहाँ भी थोड़ा छोड़े जा, तो यहाँ पर भी थोड़ा हम 1-6 इंचेस जो है छोड़ लेते हैं यहाँ पर, ताकि टर्टल्स घूम के आ सके। तो इतना पानी रहेगा और बाकी इतना सैंड रहेगा, एल शेप जो है सैंड रहेगा, इतना पानी रहेगा। तो चलिए आगे का प्लान अभी बात नहीं करूँगा मैं, जो भी होगा एक्शन होगा पूरा काम करके दिखाएंगे। बार बार बात करता रहूँगा तो लंबा वीडियो हो जाएगा, आपको बोरिंग लगेगा। अभी इसके बाद जो भी होगा एट द एंड तक पूरा सिर्फ वीडियो साउंडलेस रहेगा और फास्ट फास्ट करके दिखाएंगे।